वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 34 खोलेंगे। पेज नंबर 34 पर चैप्टर नंबर 6 है, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है बहुत हुआ। तो बच्चों, ये जो कविता है, जब बरसातों के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इस चीज़ पर लिखी गई है। तो सबसे पहले हम कविता का नाम स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि सभी बच्चों की मात्राओं की रिवीजन पक्की हो सके और एग्ज़ाम में आपकी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। बा, हामी छोटे ऊ की मात्रा हो। ता, बहुत। हामी छोटे ऊ की मात्रा हो। बड़ा अ, हुआ। बहुत हुआ। अब इस कविता को किसने लिखा है? हरीश निगम ने लिखा है। तो कविता पढ़कर सुनाती हूँ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। क्या कहा है यहाँ पर बच्चे? बादलों से क्या कह रहे हैं कि बादल भैया अब बस भी करो, अब बहुत ज़्यादा हर तरफ कीचड़ कीचड़ और पानी पानी हो गया है। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। क्या कहा कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बादल भैया की, सभी को नानी याद आ गई है, सभी परेशान हैं और जो सारा घर है वो चू रहा है। चूने का मतलब होता है कि छत में से पानी टपक रहा है जगह जगह से और हम सभी बहुत परेशान हैं। इसलिए बच्चे बादल भैया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब रुक भी जाओ। आगे है, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं बच्चे कि हम घर में रह रहकर बोर हो गए हैं, क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। हम इस तरह से हैं जैसे कि पिंजरे के अंदर चुपचाप बैठे रहते हैं, ऐसे ही मजबूरी में हमें घर में चुपचाप बैठे रहना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो बाहर तो बरसात हो रही है। आगे है, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि बच्चे सूरज दादा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सूरज दादा धूप खिला दो, यानी कि जब सूरज निकल जाता है तो बारिश रुक जाती है। और यहाँ पर बच्चे औरों से भी दुआ करने के लिए कह रहे हैं कि जल्दी से सूरज निकल जाए ताकि बारिश रुक जाए। तो बच्चों, ये पूरी ही कविता मैंने आपको पढ़कर सुना दी है और इसका मतलब भी समझा दिया है कि बच्चे बारिश से परेशान हैं और बारिश के रुकने की कामना कर रहे हैं इस पोयम के अंदर, इस कविता में। अब सभी बच्चे पेज नंबर 35 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। यानी कि जब कभी भी आप बारिश या बरसात के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या शब्द आते हैं, सिर्फ शब्दों को लिखना है। जैसे कि हमारे दिमाग में आते हैं हरे भरे पेड़ पौधे, ताल तलैया, पानी, कीचड़ और सुहाना मौसम। जो भी शब्द आपके मन में आते हों आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? हरे भरे पेड़ पौधे, ताल तलैया, पानी, कीचड़, सुहाना मौसम आदि। अगला प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो और कौन कौन से खेल खेलती हो। समझ में आया प्रश्न का मतलब? कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगती है तो तुम लोग जब उस समय कहाँ पर खेलते हो और कौन कौन सा खेल खेलते हो। तो उत्तर में लिखोगे कि जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। अपने घर में मैं कैरम बोर्ड, लूडो तथा लुका छुपी का खेल खेलती हूँ। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। बच्चों, जब ज़्यादा बारिश होती है तो आपके घर के आसपास कैसा दिखाई देता है? हर तरफ कीचड़ और पानी पानी होती है। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? यदि खूब तेज़ बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास ताल तलैया भर जाएंगे तथा जगह जगह कीचड़ दिखाई देगी। क्या लिखोगे? यदि खूब तेज़ बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास ताल और तलैया भर जाएंगे तथा जगह जगह कीचड़ दिखाई देगी पानी की वजह से। अगला प्रश्न है, बारिश में कितना पानी बरसता है, वे सब पानी कहाँ जाता होगा। क्या पूछा गया है कि बारिश में कितना पानी बरसता है, यानी कि आसमान से कितना पानी गिरता है और गिरने के बाद ये पानी कहाँ जाता होगा। तो आप आंसर में लिखोगे कि बारिश में
काफ़ी मात्रा में पानी बरसता है। ये सब पानी नदी नालों, तालाबों तथा समुद्र में जाता है। कहाँ जाता है ये सब पानी? नदी नालों, तालाबों तथा समुद्र में जाता है। अगला प्रश्न है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करते होंगे? जैसे कि बारिश से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, घरों में चले जाते हैं, कबूतर क्या करते हैं, केचुआ क्या करता है, कुत्ता, मछली और मोर क्या करते हैं, तो इसको भी मैंने लिखकर रखा हुआ है आंसर को। तो सबसे पहले हैं लोग, तो लोग अपने घरों में छिप जाएंगे तथा बाहर निकलेंगे तो छाता लेकर जाएंगे। जब बारिश आती है, ठीक, कबूतर क्या करेंगे बारिश के समय? कबूतर अपने घोंसलों में घुस जाएगा। कबूतर, केचुआ क्या करेगा? ज़मीन के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। मोर क्या करेगा बारिश के समय? झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा। कुत्ता क्या करेगा? किसी छत के नीचे छिप जाएगा। अभी बच्चों पेज नंबर 36 पर बोला है, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। यानी कि बड़े लोग इन सेंटेंसों का प्रयोग कब कब करते हैं? सभी बच्चों से आपके घर में, जैसे आपके बड़े हैं, तो वो ये सेंटेंस, ये वाक्य कब बोलते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, तो इसे आप फिल कर लेंगे ध्यान से। इसी तरह बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं, तो तब कहते हैं वो ऐसा कि बहुत हुआ, अब अंदर चलो। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम बहुत देर तक जागते हैं, बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम ज़्यादा देर तक टीवी देखते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न है, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। तो बच्चों आंसर में लिखोगे कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी इसलिए बन जाती हैं क्योंकि इस पर पानी जमा हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखोगे? हो जाता है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो चारों तरफ कीचड़ हो जाने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है और नानी याद आ जाती है। बच्चों देखो, नानी याद आना तब कहते हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो नानी याद आने का मतलब है कि हम परेशानी में हैं इस चीज़ से, किसी चीज़ को लेकर। तो आंसर में क्या लिखोगे कि चारों तरफ कीचड़ होने के कारण चलना मुश्किल होता है और नानी याद आ जाती हैं। अब सभी बच्चे पेज नंबर 37 पर आएंगे, अब नहीं बरसूंगा। यहाँ पर बादल क्या कह रहा है कि मैं अब नहीं बरसूंगा, ऐसा वो क्यों कह रहा है? बादल कहता है कि एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे? जब बादल ने लोगों से नाराज़ होकर बरसना बंद कर दिया, तो लोगों ने बादल को मनाते हुए समझाया कि बादल, तुम्हारा बरसना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम नहीं बरसोगे तो हर तरफ सूखा पड़ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद से लिख देना। अब बच्चों अगला प्रश्न है, एक चित्र के काम। तो कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? जैसे कि एक बच्चा चित्र बना रहा है, तो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? ध्यान से देखेंगे तो देखो, एक बच्चा यहाँ पे चित्र बना रहा है, तो दूसरा जो बच्चा है वो लूडो खेल रहा है। तो यहाँ पर लिख दोगे, लूडो खेल रहा है। बिल्ली क्या कर रही है? खिड़की से झांक रही है। ये देखो, खिड़की से झांक रही है बिल्ली। यहाँ पर आगे है, आदमी क्या कर रहा है? तो आदमी जो है वो हंस रहा है यहाँ पर तस्वीर के अंदर। एक बच्ची क्या कर रही है? बच्ची भी यहाँ पर खेल रही है, यहाँ पर खेल रही है। आगे है, कुत्ता क्या कर रहा है? तो कुत्ता ये रहा, पानी में गीला हो गया है, जो कि भौंक रहा है। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे आसानी से लिख लेना अपनी कॉपी में। अब देखो, यहाँ पर सुहानी कह रही है कि तुमने देखा कि चित्र में
कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हों उनके ऊपर रेखा खींचनी है। ये सारे ही शब्द हैं, जैसे कि खेलना, हंसना, झांकना, लूडो खेलना, चित्र बनाना, भौंकना, तो ये सभी क्या हैं? काम वाले शब्द कहलाते हैं। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर के साथ दो पोएमें और हैं, काले मेघा पानी दे और सावन का गीत। तो इन्हें सिर्फ आपको पढ़ना है, पढ़कर सुनाती हूँ। मेघा किसे कहते हैं? बादल को। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि काले मेघा पानी दे, यानी कि बादल से बरसात करने की रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे। गुड़धानी का मतलब है कि हर तरफ हरियाली हरियाली छा जाए। बरसो खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम, खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक। क्या कहा गया है कि जब बारिश होगी तो हर तरफ हरियाली छा जाएगी, खेतों से लेकर पर्वत यानी कि पहाड़ों तक। धरती यानी कि पृथ्वी को रंग धानी, धानी रंग कहते हैं हरे रंग को, तो पृथ्वी को रंग धानी दे काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाय सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे काले मेघा पानी दे। यानी कि जब बारिश होगी, खेती बाड़ी होगी, तो खेती बाड़ी से सबको खाना मिलेगा, हर तरफ खुशहाली छा जाएगी, इसलिए यहाँ पर बादल से बरसने की रिक्वेस्ट की गई है। अब अगली पोयम है, कविता है सावन का गीत। सावन का गीत भी बरसात के मौसम पर है। सावन के महीने में भी बच्चों बारिशें होती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना। क्या बोला है? सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। क्या कह रहे हैं बच्चे की? जब सावन आएगा, बरसातों का मौसम आएगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, तो हम इतना बड़ा झूला डालेंगे सावन का कि इसमें पूरा संसार, पूरी दुनिया समा जाए और सब आनंद लें। जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका परावार। यानी कि कैसी रस्सी का झूला डालने के लिए कह रहे हैं? ऐसी रस्सी का झूला डालने के लिए कहा गया है कि जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, यानी कि बच्चे पूरे संसार में ही बरसात होने की, सावन के मौसम आने की दुआएं मांग रहे हैं। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। यानी कि झूला इतना बड़ा होगा कि एक बारी में हम मंगल ग्रह के द्वार पर पहुंच जाएंगे और दूसरी बारी में एकदम से अंतरिक्ष के भी पार पहुंच जाएंगे। इतना बड़ा झूला डालेंगे सावन के महीने में। तो बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट होता है।